अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। दोस्तों, मैं सपना सिंह बीज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए आपके लिए आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए काढ़े की रेसिपी। जैसे कि दोस्तों आप जानती हैं कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी जो है पूरी तरीके से फैली हुई है, जिससे लाखों लोगों की जान भी जा चुकी है। लगभग हमारे देश में अभी 12 लाख के करीबन कोरोना मरीज पाए गए हैं। तो अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो अच्छा है तो ये आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो चलिए काढ़ा बनाने के लिए हम देख लेते हैं किन किन चीजों की आवश्यकता है और उनके बेनिफिट जान लेते हैं। ये अदरक ले लिया है, अदरक हमने 1 इंच लिया, 1 इंच के करीबन हमने अदरक लिया है और अदरक को हमने मोटा मोटा हल्का हल्का सा कूट लिया है। और आप जैसे जानते ही होंगे अदरक के बेनिफिट, खांसी जुखाम सर्दी काम आती है और ये पेट के लिए काफी अच्छी होती है और हार्ट के लिए भी अच्छा होता है अदरक जो है। और ये लिए हमने हल्दी, हल्दी जो हमने 1/4 स्पून हमने हल्दी ले ली है। हल्दी एक एंटीबायोटिक काम करती है दोस्तों। हल्दी जो है ब्लड को प्यूरिफाई करती है और स्किन से रिलेटेड जो भी होने वाले इन्फेक्शन, खास खुजली, दाद, उनके लिए काफी अच्छी होती है। और जो इस हल्दी जो है वेट को भी काफी कम करती है। गुनगुने पानी में हल्दी मिक्स करके सुबह सुबह आप डेली लीजिए, पिए तो आपका वेट काफी कम हो जाएगा। और ये हमने अजवाइन लिए, हमने 1/4 स्पून हमने अजवाइन लिए। और अजवाइन जो है गैस कब्ज नहीं बनने देती है। हमने तुलसी के पत्ते ले लिए, 8 से 10 हमने तुलसी के पत्ते लिए। तुलसी के पत्ते का आप फायदे जानते ही होंगे दोस्तों, सर्दी खांसी के लिए काफी अच्छी होती है। चाय में डाल के चाय बनाई जाती है तुलसी के पत्ते डालकर, और कैंसर के लिए काफी अच्छी होती है। और तेज पत्ते के दोस्तों आप फायदे जानते ही होंगे, जैसे कहीं चोट लग जाती है तो तेज पत्ते जो है पानी में उबाल कर और उस पानी को पीजिए आप, तो घाव भरने में काफी सहायक होते हैं पत्ते, तेज पत्ते जो है, और हार्ट के लिए काफी अच्छे होते हैं तेज पत्ते के दोस्तों। ये हमने काली मिर्च ली है। काली मिर्च जो है कैंसर के लिए काफी अच्छी होती है, सूजन, कैंसर, पाचन शक्ति को बढ़ाती है, सर्दी खांसी के लिए काफी अच्छी होती है काली मिर्च जो है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने 10 से 15 हमने लौंग ले ली है। और लौंग जो है हमारे मशूड़ों में दर्द, दांतों में दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द और पाचन तंत्र को मजबूत करती है। देखिए दोस्तों, और ये हमने ली है दालचीनी। दालचीनी जो हमने 1 से 1.5 इंच के बराबर हमने दालचीनी ली है, इसको हमने तोड़ लिया है छोटा छोटा। और ये दालचीनी जो है हमारे हार्ट के लिए काफी अच्छी होती है। एक लिए हमने ये बड़ी इलायची। बड़ी इलायची जो है हमारे जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है उसके लिए काफी अच्छी होती है, और मुंह में बदबू आती है उसके लिए काफी अच्छी होती है। तो बड़ी इलायची खाएंगे तो मुंह में बदबू नहीं आएगी और सांस लेने में दिक्कत भी होती है लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी नहीं होगी। ये लिया है हमने गुड़। आप देख सकते हैं गुड़ हमने थोड़ा सा लिया है, और आपका मन हो तो आप डाल लें, अगर आपका मन ना हो तो आप नहीं डालिएगा। और गुड़ के जो अपने फायदे होते हैं, जैसे खाना डाइजेस्ट करने के लिए काफी अच्छा होता है गुड़, और ब्लड को प्यूरिफाई करता है। और ये लिया है हमने 1/2 चम्मच भुजा हुआ जीरा पाउडर। जीरा पाउडर जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफी अच्छा होता है और इससे हमारे पेट में गैस नहीं बनती है। तो चलिए अब हम जो है काढ़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम काढ़ा बनाने के लिए एक बर्तन ले लेंगे और उसमें जो हम पानी डालेंगे, हम जो है 3 गिलास पानी डालेंगे। हमने 3 गिलास पानी डाल दिया है। पानी को जो हम गर्म होने देते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पानी गर्म हो गया है, हल्का हल्का उबाल आने लग गया है हमारे पानी में। तो अब इसमें डालेंगे हम अदरक, जो हमने सारी चीजें ली हैं वो सब सारी चीजें हम डाल देंगे इसमें। अजवाइन, तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते और बड़ी इलायची और दालचीनी भी डाल देंगे। और अब डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और गुड़ डाल देते हैं। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स होने देते हैं। सारी चीजें हमने अच्छे से मिक्स कर दी है।
दोस्तों इस काढ़े को जो है हम जब तक पकाएंगे, जब हमने 3 गिलास पानी लिया है, तो 3 गिलास का हमारा मतलब 1.25 गिलास से कम पानी रह जाए तब तक हम इसको उबालेंगे। और तो इस काढ़े को बनाइए और पिए, सबको पिलाइएगा। पर ये काढ़ा जो है बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि ये काढ़ा जो है काफी गर्म होता है, तो बच्चों को नहीं देना। अगर बच्चे जो है 6 से 7 साल से ऊपर है तो उनको आप 1 से 2 चम्मच दे सकते हैं। इससे ज्यादा बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि ये काढ़ा जो है काफी गर्म होता है, तो बच्चों के लिए ये काढ़ा जो है अच्छा नहीं होगा। बच्चों को जो आप हल्दी वाला दूध दे सकते हैं सुबह शाम, आधा आधा कप, ज्यादा नहीं। हल्दी वाला दूध भी गर्म करेगा, तो हल्दी वाला दूध भी आधा आधा कप सुबह शाम दे सकते हैं बच्चों को। तो चलिए अब काढ़े को जो हम उबलने देते हैं जब तक हमारा 1.25 गिलास पानी नहीं रह जाए जब तक, और इसको जो हम ढक देते हैं जब तक हम उसको ढककर ही बॉईल करेंगे इसको। देखिए दोस्तों हमारा काढ़ा जो है पक चुका है, और काढ़ा जो हमारा 1 गिलास के करीब रह गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और काढ़े को हम छान कर कप में कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारा काढ़ा जो है बनके तैयार हो गया है। आपने देखा कि हमने कितनी इजीली घर में काढ़ा बना के तैयार कर लिया है, और हमने ये 2 से 3 लोगों के लिए काढ़ा बना के तैयार। और काढ़ा जो है आधा आधा कप ही लीजिएगा सुबह शाम, या फिर आप शाम को एक टाइम ही ले सकते हैं खाने के बाद। शाम को एक टाइम खाने के बाद लीजिएगा और सभी को घर में पिलाइएगा। तो जो हमारे इंडिया में यानी पूरे विश्व में फैला हुआ है कोरोना वायरस जो है, उससे जो हमें लड़ना है और हमें जीतना है। तो अगर हम आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है मजबूत होगा तो आप कोरोना वायरस से फाइट कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।